के अंदर, तो वो उसको बताने की जरूरत नहीं। तो मैं एक थोड़ा सा एक आपको वो डेमो दे देता हूँ। ये गोट है और ये उसका बच्चा है। तो ये जब से एक दिन का था, दो दिन का था, तो इसके भी वीडियो मैंने चैनल पर डाले हुए है, इसका ग्रोथ किस तरीके से किया गया। ये फीमेल गोट है, तो इसने अभी अभी तीन बच्चे दिए है। तो जस्ट मैंने एक डिलीवरी के दो दिन बाद बकरी के बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, उस वीडियो में जो बच्चे दिखाए हैं वो इसी गोट के बच्चे हैं। तो इसका ग्रोथ अगर देखेंगे तो इसको बनाया गया है। बोलते हैं ना कि लोग जानवरों को भरा जाता है, जो लोग सेलिंग का काम करते हैं वो ज़बरदस्ती जानवर को भरते हैं। तो इतना भी इसको भरा नहीं गया है, लेकिन एक दवा के बारे में जानकारी दी थी मैंने, ग्रोथ अच्छा ग्रोथ होने के लिए क्या यूज करना है आपको। और ये एक छोटा एक दिन के बच्चे से एक बड़ी अडल्ट गोट बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना ज़्यादा उसको किस तरीके का खाना दिया जाता है, किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से उसकी डिवॉर्मिंग करवाई जाती है, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। और सिंह के ऊपर एक वीडियो बन रहा है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट बहुत सारे 5-6 टॉप के वीडियो बने हुए हैं। तो ये सिंह खुद बनाए जा सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से आकार भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कस हमने करनी है ऑलरेडी। ये इस तरीके से अभी बैठने का टाइम है, तो ये एक इनका बैठक बोल सकते हैं। तो इनका बैठक लगभग जो है 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे तक चलता है। इसके अंदर जो है आप अगर देखोगे, जुगाली जो है विस्तार से करी जाती है। जुगाली करने का मतलब यह है कि जो खाना उसने पेट में खाया है ऑलरेडी, तो उस खाने को वो पेट से निकाल के जुगाली करती है। तो उनमें जो है लार का मिश्रण जो है होना ज़रूरी होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखेंगे तो लार जो है अपने खाने में मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिक्स होता है तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपकी हर चीज़ जो है सही हो जाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर जो है आपका सही से ग्रोथ कर पाएगा, इम्यूनिटी आपकी जो है सही से बन पाएगी। तो वो एक चीज़ है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 8 से 10 लीटर लार जो है बकरी डेली अपने जो जुगाली करती है, तो जुगाली के अंदर थोड़ी थोड़ी मिश्रित होती है, उसके बाद वो पेट में जाती है और फिर उससे जो है खून बनता है या फिर जो एनर्जी उनको लगती है तो वो उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। और बाकी मैं एक छोटा सा आम दिखा रहा हूँ आपको, ये आम इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, और कई सारी चीज़ें पड़ी हुई है। तो आम के पेड़ के नीचे गोट जो है बैठी हुई है, तो ये आम जो है हमारी सारी गोट खाती है। रीज़न ये है कि अगर आप खट्टा मीठा अगर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे आप इंसानों में, तो हम हमेशा अचार खाना पसंद करते हैं, है ना। अचार खाना इसलिए पसंद करते हैं कि कहा जाता है कि अगर आप छाछ पियोगे या फिर दूध पियोगे या फिर कुछ खट्टा मीठा खाओगे तो आपको जो खाना है वो जल्दी हजम हो जाएगा। तो वही रीज़न है, इनका मुंह भरा हुआ है। इन्होंने भी जो है अभी अभी आम खाए हुए, थोड़ी देर हो गई इन्होंने आम खाए हुए, तो ये थोड़े से कच्चे या फिर थोड़े पके हुए आम ये लोग खा लेते हैं। इससे इनका पानी पीने का जो सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो जाता है। पानी ये ज़्यादा पिएगी, जुगाली भी करेगी तो इनसे बीमार नहीं गिरेगी। अभी लगभग 16 महीने हो चुके हैं, मैंने किसी प्रकार का इंजेक्शन का यूज नहीं किया है। हमारे पास लगभग सारे प्रकार के इंजेक्शन है, जितने डॉक्टर के पास होते हैं उससे ज़्यादा इंजेक्शन अपने पास है, लेकिन यूज अभी तक एक भी नहीं किया है ना। रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मॉर्टेलिटी बिल्कुल ना हो, है ना, मृत्यु दर जो है अपने को कम करनी थी। मैंने कहा भी था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है, मैंने दिखाया था अभी कि मॉर्टेलिटी किस तरीके से होती है, क्यों होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो सब दिखाया था मैंने आपको। और वीडियो उसके ऊपर जितने बने हैं चैनल पे, तो उसी के ऊपर बने हैं कि मॉर्टेलिटी जब होता है तो क्या, कौन सा इंजेक्शन है, क्या चीज़ है, क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है, उसके ऊपर सारे वीडियो डाले हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई अर्निंग के लिए वीडियो डाले हैं, बस मैं चाहता था कि भाई मैं अपना जो है जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो इसको कहीं पर स्टोरेज कर लूँ, तो स्टोरेज कर लूँ। इस हिसाब से जो है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा यूट्यूब सही तरीका है, इस पर स्टोर हो सकता है और कोई भाई सीख सकता है। अगर उसको इन फ्यूचर की भी के ऊपर वो समस्या के ऊपर दिक्कत के ऊपर वीडियो चाहता है तो वो जाके देख सकता है, मैं खुद दे सकता हूँ, है ना। उसके लिए मैंने जो है वो करा था। फिलहाल गोट बैठी हुई है, अभी 2 से 2.5-3 घंटा इनको जो जितना धूप का समय है, जब तक धूप शांत नहीं हो जाएगा तब तक ये जुगाली यहाँ पे करती रहेगी।